देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे कोविड के बढ़ते मामलों की, जहां पर राजधानी दिल्ली में कई और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दरअसल बढ़ते मामलों के बीच में आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे वर्चुअली बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ और पाबंदियां लगाने का फैसला ले सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 22,751 नए कोरोना संक्रमित मिले। 24 घंटों में दिल्ली में 17 मरीजों की कोरोना से जान भी चली गई है। दिल्ली में अभी कोविड पॉजिटिविटी रेट 23.53% है और इस समय कोरोना के 60,733 एक्टिव केसेस है पूरे भारत में। और माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण पर आज डीडीएमए की जो 12 बजे की बैठक होगी, इस दौरान कई और पाबंदियां दिल्ली सरकार लगा सकती है। देश में कोरोना के हालात किस तरह से अब और विकराल होते जा रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कोरोना के आंकड़ों को देखकर पहली और दूसरी लहर की ये तस्वीरें याद आ रही हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखकर अस्पतालों और मरीजों का वो खौफनाक मंजर याद आ रहा है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस नए रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। चिंताजनक आंकड़ों के साथ साथ कोरोना इस बार तो संसद और सुप्रीम कोर्ट तक सेंध मार चुका है। नेता, अभिनेता, सांसद, न्यायाधीश, कोई भी कोरोना की इस लहर में अछूता नहीं है। संसद में 6 और 7 जनवरी पर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की कोरोना टेस्टिंग करवाई गई, जिसमें 400 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 150 कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव हैं। इस बार कोरोना की रफ्तार को ऐसे लगाइए कि देश में कोरोना की संक्रमण दर 10% के ऊपर चली गई है, यानी 100 टेस्ट में 10 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। देश के 5 राज्यों में तो पॉजिटिविटी रेट इससे 2 गुना है। पश्चिम बंगाल में 29.6%, महाराष्ट्र में 26%, यूपी में 24%, गोवा में 21% और दिल्ली में 19.6%। देश में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा केस भी दिल्ली और महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं। कोरोना से रिकवर हुए अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर में बीमारी की सीवियरिटी को लेकर एक राहत भरी खबर दी। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी, 341 मौतें, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। कोरोना की तीसरी लहर में केस तो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा फिलहाल कम है। ऐसे में ये एक राहत की बात है, लेकिन बावजूद इसके जरूरत है एहतियात बरतने की, मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन करने की, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सावधानी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।